नमस्कार, मैं हूँ हिमाश्री। कुक विद हिमाश्री में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नमक पारा यानी कि नमकीन। इसे हम होली, दिवाली, किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसकी रेसिपी। आज हम जो नमक पारा या नमकीन बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप रिफाइंड ऑयल और साथ ही मैंने उसमें डालने के लिए लिया है 1 छोटा चम्मच कलवंजी और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच अजवाइन और नमक स्वादानुसार। और इसे गूंथने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुनगुना पानी लिया है। गुनगुने पानी से अगर हम मैदे को गूंथेंगे तो जो नमक पारा है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। अब हम नमकीन बनाने के लिए मैदा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पर नमकीन बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है। सबसे पहले हम उसमें 2 कटोरी मैदा डाल देंगे। और अब हम उसमें डाल देंगे अजवाइन, कलौंजी और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम नमक पारा या नमकीन बनाते हैं और उसमें हम कलौंजी और अजवाइन को डालकर बनाते हैं तो उसका जो स्वाद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें मोयन के लिए तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप के लिए 1/2 कप तेल लिया है। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इसका 1/2 डालेंगे। 1/2 डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसका जो आटा है जब हम इसमें मोयन मिलाकर इसको गूंथेंगे तो ये हाथ में ऐसे अच्छे से पकड़ में आ जाना चाहिए, लेकिन ये अभी भी टूट जा रहा है, मतलब कि मोयन कम है। हम इसमें और तेल डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोयन है बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब हमें इसे दोनों हाथों से इस तरह से थोड़ा मसल कर करना है। इस प्रोसेस को आप ज़रूर करिए जिससे जो तेल है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अभी मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गुनगुने पानी को डालकर इसे थोड़ा गूंथ लेंगे। इसे हमें कड़ा ही गूंथना है, पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ज़्यादा एक साथ पानी डाल देंगे तो ये नरम हो जाएगा तो हमें गूंथने में बहुत तकलीफ हो जाएगा, इसलिए हमें इसके एक सख्त सा डो तैयार करना है। इसे इतना ही कड़क रखना है और इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसे हमें कोई सा भी कपड़ा जो कि हल्का गीला हो उससे ही ढककर रखेंगे जिससे कि ये सूख ना जाए, और उसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। मैदे को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। सबसे पहले हम बराबर साइज में सारे लोई को बना लेंगे, उसके बाद ही हम इसको बेलना शुरू करेंगे। हमारे सारे लोई तैयार है। अब हम इसे इस तरह से बनाकर रख देंगे और फिर एक एक करके हम इसे बेल लेंगे। जब हम एक को बेलेंगे उस समय हम बाकी सब लोइयों को कपड़े से ढककर रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएंगे। सबसे पहले हम बेलन और चकली में तेल लगा लेंगे और उसके बाद एक लोई लेकर उसे बेलेंगे।
लोई में हमें तेल या मैदा कुछ भी नहीं लगाना है। हमें इसे इतना ही पतला बेलना है। अब हम इसे काट लेंगे। आप इसे जिस भी शेप में आपको पसंद है आप उसी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। नमकीन को तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखेंगे और सारे कटे हुए नमकीन को इसमें डाल देंगे। दो से तीन मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। अगर हम इसे ज़्यादा तेज आंच पर पकाएंगे तो फिर नमकीन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए एक से दो मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे जिससे कि ये दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम आंच को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद उसे उतार लेंगे। हमें इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि इसमें इतना अच्छा से मोयन डला है कि हम इसे तीन से चार मिनट में ही उतार सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसे उतार लेंगे। जब हम इसे उतारेंगे हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो करना है, नहीं तो इसमें फिर डार्क कलर आ जाएगा। इसमें जो ज़्यादा तेल रहेगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब सुन सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा एक आवाज़ आ रहा है, मतलब कि नमकीन जो है बहुत ही खस्ता बना है। इसी तरह से हम बाकी सारे नमकीन को भी फ्राई कर लेंगे। नमकीन को हम जितना पतला बेलेंगे वो उतना ही ज़्यादा कुरकुरा और खस्ता बनेगा, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि नमकीन ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो लीजिए, हमारा स्वादिष्ट क्रिस्पी और क्रंची नमक पारा तैयार है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो चलिए आप भी जल्दी से इसे बनाइए और इस दिवाली सभी के साथ एंजॉय करिए।